रिलायंस कंपनी हर साल अपनी एक मीटिंग करती है और उस मीटिंग के अंदर वो जो भी नए अपकमिंग उनके प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी वो नई चीज़ें लाने वाले हैं या फिर जो भी कुछ उनको लॉन्च करना होता है, वो सब ये इसी AGM मीटिंग के अंदर ही करते हैं। बेसिकली इसको मीटिंग भी नहीं कह सकते आप, इसको लॉन्च इवेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें वो नई नई चीज़ें लॉन्च भी करते हैं। साथ में इस साल जो ये मीटिंग है 29 अगस्त को होने वाली है, यानी कि आने वाली भी 2-3 दिन के बाद में 29 अगस्त को रिलायंस जियो की ये मीटिंग होगी। और इस मीटिंग के अंदर क्या क्या लॉन्च होने वाला है, वैसे तो रिलायंस कंपनी की भी और बहुत सारी चीज़ें लॉन्च होती है, लेकिन टेक से जुड़ी हुई जो चीज़ें लॉन्च होने वाली हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपको अपना ये वीडियो पसंद आए, अपने वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अब सबसे पहले जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो 100% कन्फर्म्ड नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो कि 90% कन्फर्म्ड है वो है 5G। इस 29 अगस्त को रिलायंस जियो अपना 5G लॉन्च कर देगी इंडिया के अंदर। बहुत ही बेकाबू हो रहा है जियो इंडिया के अंदर सबसे पहले 5G लॉन्च करने के लिए, और 90% चांसेस हैं कि इस 29 अगस्त को AGM मीटिंग के अंदर रिलायंस जियो अपना 5G लॉन्च कर देगी। अब 5G जब लॉन्च होगा तब लोगों के दिमाग में बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, क्या हमको रिलायंस 5G के लिए नया सिम लेना होगा, क्या उसके प्लान्स होंगे, क्या उसके प्राइजेज होंगी, कौन सी सिटीज़ के अंदर वो चलेगा। तो फिलहाल तो 29 अगस्त को जब 5G लॉन्च होगा तब वो 13 सिटीज़ के अंदर ही चलेगा। 13 सिटीज़ कौन सी होंगी उनका आप नाम अभी देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। और 5G लॉन्च होने के साथ साथ 5G के क्या क्या प्लान्स होंगे वो प्लान्स भी बता दिए जाएंगे 29 अगस्त को। अब जैसा कि जियो 4G जब आया था तब शुरू में बहुत सारा फ्री डाटा सबको परोसा गया था। शुरू में आपको कुछ भी 1 रुपया भी नहीं देना, 4-5 अनलिमिटेड 4G डाटा, फिर 4GB, फिर 2GB, मतलब पहले लोगों को 4G का मज़ा चखाया, 4G टेस्ट कराया लोगों को फ्री में परोसा। और जब लोगों को उसकी लत लग गई 4G की तब उन्होंने प्लान के प्राइजेस बढ़ाना शुरू कर दिए। वैसा ही मुझे लगता है अब इस बार 5G के साथ भी होने वाला है। हो सकता है 5G टोटली फ्री ना हो, लेकिन जो इंट्रोडक्टरी प्लान्स होंगे 5G के वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते होने वाले हैं कि उनको कोई भी आराम से एक्सेस कर सकता है। और एक्सेस करेंगे जब लोगों को लत लग जाएगी 5G की, उसकी लो लेटेंसी की, अल्ट्रा फास्ट स्पीड की, तब लोग ज़्यादा पैसे देकर भी उस 5G के प्लान्स को खरीदने लगेंगे। तो एक बार तो आप फ्री में 5G एंजॉय कर सकते हैं। बात रही आपको क्या दूसरा सिम कार्ड लेना होगा 5G का मजा लेने के लिए, तो अब ये डिपेंड करता है कि जियो जो है कौन से टाइप का 5G लॉन्च करता है। 5G कई अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अगर वो स्टैंड अलोन एकदम हाई लेवल का 5G लॉन्च करते हैं, पावरफुल 5G लॉन्च करते हैं, तब तो डेफिनेटली आपको एक नया सिम कार्ड लेना होगा 5G का मजा लेने के लिए। जहां तक चांसेस हैं यही होने वाला है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। स्टैंड अलोन 5G लॉन्च करने वाला है जियो, और ऑलमोस्ट इसके भी 90% चांसेस हैं कि 5G का मजा लेने के लिए आपको जियो की एक अलग 5G की सिम कार्ड लेनी होगी। और 5G की प्लान्स के साथ जियो इस बार 50-50% चांसेस इसकी 100% कंफर्म नहीं है, जियो फोन 5G भी लॉन्च करने वाला है, यानी कि एक 5G फोन होगा जियो की तरफ से। इसके 50-50 चांसेस हैं, 100% कंफर्म नहीं है। अब अपने इंडियन मार्केट के अंदर क्या है कि कम बजट के अंदर कोई भी अच्छा 5G स्मार्टफोन नहीं है जिसके अंदर 5G की सुविधा भी एकदम फुल फ्लेज 5G भी है, साथ में डिस्प्ले भी है, प्रोसेसर भी है। अगर किसी फ़ोन में सस्ते प्राइस में अगर 5G है तो उसके अंदर और किसी जो भी बाकी की चीज़ें हैं, स्क्रीन, डिस्प्ले, प्रोसेसर, वो सारी बेकार हैं, केवल उसमें 5G है। और जिसमें 5G नहीं है तो वो तो 5G का चला ही कैसे पाएगा। तो जियो अब लॉन्च करने वाला है 5G फोन। अब ये 5G फोन होगा स्नैपड्रैगन 480 पर बेस्ड होगा, लगभग 6 इंच की इसकी स्क्रीन होगी, 5000 mAh की इसकी बैटरी होगी, साथ में प्रगति OS पर ये 5G फोन, जियो 5G फोन चलने वाला है। जैसा कि जियो फोन नेक्स्ट प्रगति OS पर चल रहा था, गूगल के साथ में कोलैब करके बनाया था प्रगति OS, वैसे ही इस बार जो ये 5G फोन होने वाला है जियो की तरफ से ये भी प्रगति OS पर ही चलेगा। हालांकि जो प्रगति OS जियो फोन नेक्स्ट में आता था वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था, उसके अंदर काफी सारे ग्लिचेस थे, काफी सारे बग्स थे और अच्छे से वो एकदम काम नहीं करता था। अब देखते हैं जियो फोन 5G क्या अच्छे से काम कर पाता है या फिर इसका भी हाल जियो फोन नेक्स्ट जैसा होता है, ये आने के बाद हमको पता चलेगा। ये थे दोस्तों कुछ अपडेट्स रिलायंस की तरफ से, जियो की तरफ से उनकी आने वाली नई 5G सर्विस की तरफ से। कैसे लगे और क्या आप एक्साइटेड हैं 5G एंजॉय करने के लिए, ज़रूर कमेंट्स में बताना। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।